guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another lecture of Borax Materia Medica and हमारी आज की remedy है Sticta pulmonaria. ठीक है, इसका common name है lung wart and इसके जो symptoms हैं ये most frequently coryza like symptoms या फिर respiratory इसका बहुत important होता है. ठीक है, कई बार rheumatic disturbances के लिए that means symptoms of extremities are extremely important. ठीक है, moving on, there is a general feeling of dullness and malaise. Person जो है इसको काफी ज्यादा थकान फील होती है जब भी इसको जुखाम होने वाला होता है. ठीक है, सर में दर्द होगा और काफी ज्यादा कंजेक्टिवाइटिस, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजेक्टिवा इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड. रिमैटिक स्टिफनेस ऑफ द नेक, इसका नेक रीजन जो होता है उसमें काफी ज्यादा स्टिफनेस होती है. माइंड के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसको पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है दैट ही और शी इज फ्लोटिंग इन द एयर और कंफ्यूज होता है कई बार पेशेंट. हेड के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो उसको सर में दर्द होता है और स्पेशली इसको डल हैवी प्रेशर फील होता है द रूट ऑफ द नोज, वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी. मूविंग ऑन, कैटरल हेडेक बिफोर डिस्चार्ज अपीयर्स. ठीक है, इसको काफी ज्यादा सर में दर्द होता है एंड बर्निंग इन द आईज, सेंसेशन एज द स्कैल्प वर टू स्मॉल. ठीक है, नोज के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसको फीलिंग होती है ऑफ फुलनेस एट द रूट ऑफ नोज. ठीक है, मतलब ऐसा लगता है दैट समथिंग इज स्टक देयर. राइनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है नोज की मेम्ब्रेन का. ड्राइनेस ऑफ द नेजल मेम्ब्रेन, ड्राइनेस होती है और पर्सन जो होता है उसको हमेशा मन करता रहता है दैट वो अपनी नोज ब्लो करे बट कोई भी डिस्चार्ज नहीं आता. ठीक है, स्टिक्टा इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर स्कैंटी फ्लो ऑफ मिल्क इन द केस ऑफ फीमेल्स. एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो डायरिया के लिए हम ये रेमेडी दे सकते हैं अगर मॉर्निंग टाइम में एग्रीवेशन हो रहा है तो, और यूरिन अगर इंक्रीज हो गई है ब्लैडर में एकिंग के साथ तो भी. ठीक है, रेस्पिरेटरी द हीरो सिम्टम्स ऑफ द रेमेडी. सो पर्सन को थ्रोट काफी ज्यादा रॉ फील होती है. ठीक है, ड्रॉपिंग ऑफ म्यूकस कहाँ जाता है, पोस्टीरियरली. ड्राई हैकिंग कफ ड्यूरिंग नाइट, इसको रात को बहुत ज्यादा खांसी आती है सांस लेते वक्त. और क्या होता है, लूज कफ होता है मॉर्निंग टाइम में. पेन थ्रू चेस्ट फ्रॉम स्टर्नम टू स्पाइरल कॉर्ड. ठीक है, और पर्सन को बहुत ज्यादा कफ, अगर मीजल से कोई पर्सन सफर कर रहा है तो आफ्टर मीजल्स उसको खांसी आने लगती है और ज्यादातर इवनिंग के टाइम ऐसा होता है. पल्सेशन फ्रॉम राइट साइड ऑफ द स्टर्नम डाउन टू द अब्डोमेन, दिस इज ऑल्सो फैट. इसको लगेगा कि समथिंग इज पल्सेटिंग इन दैट रीजन. एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया दैट रिमैटिज्म कई टाइप के जॉइंट्स जैसे कि राइट शोल्डर जॉइंट, डेल्टॉइड, बाइसेप्स, इन सारे एरियाज में अगर रिमैटिज्म है तो हम स्टिक्टा प्रिस्क्राइब करते हैं. स्वेलिंग है जॉइंट की, रिमैटिज्म में यही सिम्टम्स आते हैं, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है. ठीक है, कई बार स्पॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिल जाता है अफेक्टेड जॉइंट में, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. पेन सीवियर एंड ड्रॉइंग, कॉलेरा लाइक स्पाज्म, लेग फील्स फ्लोटिंग इन द एयर. इसके पर्सन को ऐसा फील होता है दैट उसके जो लेग हैं वो फ्लोट कर रहे हैं. हाउसमेट्स नी के लिए हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, मतलब अगर किसी के जो नी है उसमें रिमैटिज्म की कंप्लेंट हो तो हम दे सकते हैं ये रेमेडी. और जॉइंट्स कैसे होंगे, वही मसल सेड होंगी, सॉलन होगी, पेनफुल होगी. और कैटरल सिम्टम्स पहले आते हैं किस चीज के, रिमैटिक पेन्स के. ठीक है, मोडालिटीज की अगर हम बात करें तो कभी भी अगर मौसम बदलने की वजह से गठिया मतलब रिमैटिज्म या फिर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है तो हम इस रेमेडी के बारे में सोचते हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट स्टिक्टा पल्मोनेरिया. आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड आई अपलोड लेक्चर्स ऑफ बोरिक मटेरिया मेडिका डेली, सो इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स प्लीज 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 सब्सक्राइब इनसाइड ऑर्गनॉन. थैंक यू.